नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दरोगा को फावड़े से काटकर उसकी जान ले ली। क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। यदि पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हर ताज़ा खबर आप तक जरूर पहुँचेगी। दरअसल बताया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर के दनकौर थाना क्षेत्र के भट्टा पारसोल निवासी सौराज सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का काम करते थे। 2012 में वो रिटायर हुए थे। वह मेरठ के किठोर के हसनपुर कला गांव में अपने साडू महेंद्र के यहां आए थे, यानी कि इस रिश्तेदार के घर पहुंचने पर सब इंस्पेक्टर के साथ जो घटना घटित हुई वो हैरान कर देने वाली है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिश्तेदार यानी कि उसके साली के बेटे अंकुश पर करीब 13 लाख रुपये का लेन देन था। जब सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उस पैसों को लेने के लिए मेरठ के हसनपुर कला गांव में जब पहुंचे, तो जब उसने बार बार पैसों की मांग की तो सोमवार रात अंकुश ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। अंकुश ने मौसा स्योराज सिंह की फावड़े से काटकर जान ले ली। इसके बाद आरोपी भागने लगा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला है। चलिए आरोपी ने क्या कहा था उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने आरोपी अंकुश को गिरफ्तार किया, पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसी ने ही उसके मौसा के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। सोमवार रात को उसने पहले उसके साथ शराब पार्टी की। शराब पार्टी के बाद मौसा है जो बार बार अपने पैसों के लिए उसे बेइज्जत कर रहे थे। रात करीब 2 बजे घर में रखे फावड़े से उसने उसे काटकर उसकी जान ले ली। आरोप ने पुलिस से ये भी कहा कि वह अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ है और मौसा को उसी ने ही इस घटना को मौसा के साथ जो घटना घटित हुई उसको अंजाम उसी ने दिया है, क्योंकि वह उसकी मम्मी को लेकर भी आप शब्द बोल रहे थे, ऐसे में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सीओ किटोर अमित राय ने भी कहा है, अभी तक जांच में आया कि युवक ने अपने मौसा की 13 लाख रुपए के लेन देन